अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की एक वीडियो बना दी जाएगी, तो उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। कि जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम ऑफ द बोर्ड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेकेंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में करें, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग में इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, तो इसमें था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। चैप्टर 3 में से मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि न्यूमेरिकल लिया जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हमारे पास इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के साथ डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स। ये बहुत सिलेक्टिवली लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स। और इस तरह अगर इसके बाद वाले चैप्टर में देखा जाए, सो हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 में आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². एक है जी सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। इसके बाद जी अगर चैप्टर नंबर 7 में देखें तो पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक प्रेस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत ही सेलेक्टिवली लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, जिनको हर हाल में आप लोगों ने याद करना होगा, उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास थर्मल कनेक्टिविटी, अगर चैप्टर नंबर 9 में से भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए, चैप्टर नंबर 8 में एक क्वेश्चन है एवेपोरेशन का और एक्सपेंशंस का और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। तो फिलहाल इतने ही। और अब इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स शॉर्ट के लिहाज से या लॉन्ग के लिहाज से, मैं शुरू से चैप्टर नंबर 1 से बात करूँगा। पहले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज में गिवन है उनकी बात करते हैं। सो 1.3, 1.7 और 1.10 बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइज के और उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। 1.10 और उसके बाद अगर बात करें 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 से 2.6 तक, 2.1 से 2.6 तक। और इसके अलावा 3.1, 3.2, 3.3, 1, 2, 3, 3.8 और 3.10, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9 and 4.5.1, 5.3, 2 भी कर लें, 5.9, 6.3, 6.6, 6.9, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 8.1, 2.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7 and 9.2। ये वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं।
अब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं इसी तरह चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास 1.4 है, 2.3 एग्जांपल, 2.5 एग्जांपल, और देन हमारे पास आगे 2.11, 2.14, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4.2, 4.3, 5.1, 4.3 के बाद 4.6 भी कर ले, 5.1, 5.2, 6.2, 4, 5, 6, 7 एग्जांपल। चैप्टर 6 एग्जांपल्स वैसे बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ज़रा इग्नोर ना कीजिएगा। उसके बाद 7.1, 7.6, 7.4, 7.1, 7.4, 7.6, 7.7, 8.4, 8.6, 8.7 एंड 9.1 एग्जांपल। तो मेरा बेटा ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो आपने मेरे बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत 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 अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, बार बार अच्छे से रिवीन के लिख के जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन की, न्यूमेरिकल्स की, और बोर्ड में अपने कैलकुलेटर का यूज़ अपने अच्छे से करना। अगर आपको पता भी है कि कैलकुलेशन के बाद आंसर तब यही आएगा, फिर भी आपने अपने कैलकुलेटर से उसका आंसर वेरीफाई ज़रूर करना है। विश यू गुड लक, अल्लाह ताला आपको काम याद करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि आपके पूरे के पूरे नंबर आए 60 out of 60, सो विश यू गुड लक। और दोबारा फिर आपको जैसे पता है कि जैसे आपके एग्जाम्स एंड होंगे तो इंशाल्लाह आपकी campus.pk पे दोबारा से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग नहीं रजिस्टर्ड हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आपने campus.pk पे जस्ट लॉगिन होना है। campus.pk जब से लिखेंगे वहाँ पे आपके लिए लॉगिन आएगा, अपनी क्लास सेलेक्ट करें, बोर्ड सेलेक्ट करें, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो वहाँ से आपके पास आपको टाइम का स्केड्यूल, किस टाइम क्लासेस होती है, कौन से टीचर्स क्लास ले रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होगी। जो लोग यूट्यूब पे पहली दफ़ा लेक्चर सुन रहे होंगे उनके लिए पैगाम है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।